हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। चैप्टर 12 में हिंदी ग्रामर एनुअल पोर्शन में आज हम आपको रीडिंग कराएंगे, तो सभी बच्चे अपनी बुक एंड कॉपी निकाल के अच्छे से समझेंगे चैप्टर को और साथ साथ में लर्न करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? पर्यायवाची शब्द जब हम एक वर्ड्स को दूसरे भी वर्ड्स में बोल सकते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं। जैसे माँ, माँ को जननी, धात्री, धात्री और माता। ऐसे ही पानी को नीर, तोय, जल। यानी कि इसकी डेफिनेशन है, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उसका अर्थ वही होता है लेकिन उसको बस उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ऊपर दिए गए चित्रों में माँ को हम जननी, माता तथा धात्री कह सकते हैं। पानी को हम तोय, जल तथा नीर कह सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माँ के पर्यायवाची शब्द जननी, माता तथा धात्री हैं। पानी के पर्यायवाची शब्द तोय, जल तथा नीर है। इस प्रकार के शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों को याद कीजिए। जैसे आँख है, तो आँख का कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होंगे? नयन, नेत्र, चक्षु। सूर्य का सूरज, रवि, भानु। गाय का गऊ, गऊ और सुरभि। ठीक है बच्चों, अब है रात, तो रात का रजनी, रात्रि और निशा। बेटा का पुत्र, सुत और सुपुत्र। कमल का सरोज, जलज और पंकज। ऐसे स्त्री का तरुणी, नारी, महिला। दूध का दुग्ध, पेय, क्षीर, क्षीर। ठीक है, राजा का नरेश, भूप और नर्प। तो ये नीचे दिए गए शब्द और उनके पर्यायवाची शब्द हैं, इनको हमें याद करना है अच्छे से। अमृत का है सुधा, अमीय, पीयूष। आकाश का है गगन, नभ, आकाश। आदमी का है मनुष्य, मानव, व्यक्ति। कमल का है सरोज, जलज और पंकज। गंगा का है भगीरथी, सुरसरी और जाह्नवी। सूर्य का है भानु, रवि, दिनकर। ऐसे ही सेकंड रो में है अग्नि का अनल, पावक, आग। आँख का नयन, नेत्र, लोचन। ईश्वर का परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर। गाय का धेनु, गौ, कामधेनु। चंद्रमा का शशि, सुधाकर और निशाचर। सरोवर का ताल, तालाब और जलाशय। तो ये सभी बच्चा आपको अच्छे से समझने हैं, इनको याद करना है। एक बार और इसकी डेफिनेशन हम दोबारा दोहराते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द को हम दो दो बार बोल सकते हैं, दो दो बार लिख सकते हैं, लेकिन उनका अर्थ वही होता है, तो उसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ प्रकट करने के कारण राजा को इन तीन नामों से पुकार सकते हैं, भूप, नरप और नरेश। इसका बुकवर्क करते हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। आकाश का नभ, गगन, आसमान। बेटा, पुत्र, सुत, सुपुत्र। पवन, हवा, वायु, समीर। चंद्रमा, शशि, सुधाकर और निशाचर। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों को सुमेलित कीजिए। लक्ष्मी, लक्ष्मी का होता है कमला। स्त्री,
नारी, नृप, नृप का होता है राजा, और निशा, निशा का होता है रात। तो बच्चों, तुम कभी कभी अपने अपने पिता को पापा, डैडी कहकर भी बुलाते हो, तो इसी प्रकार आप अपनी मम्मी को, माँ को क्या क्या कह सकते हो, यही इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो वो आप थोड़ा सा बोल के या लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब इसका कॉपी वर्क करते हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो ये है आकाश का, नब, गगन, आसमान। सेकंड है बेटा का, पुत्र, सुत, सुपुत्र। थ्री है पवन का, हवा, वायु, समीर। फोर का चंद्रमा, शशि, चंद्रमा का शशि, सुधाकर और निशाचर। फाइव का गाय का, धेनु, गौ और कामधेनु। तो थ्री क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों को सुमेलित कीजिए। लक्ष्मी का कमला, स्त्री, नारी, नृप, राजा और निशा का रात। तो बच्चों, आई होप आपको पर्यायवाची शब्द के बारे में समझ आ गया होगा। आप सभी अपना सारा वर्क कंप्लीट करेंगे और इसको अच्छे से रीडिंग करेंगे, इस चैप्टर को समझेंगे और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा वर्क साथ साथ ही लर्न करते चलेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।